इन जगह पे जो है लिया बात नहीं। तो जैसे हमने पीआईबी कॉलोनी में 3 पार्ट्स किए थे, नहीं जैसे आप हमारे फ्रेंड्स हैं इस चीज में भी लिखा है फ्रेंड फास्ट फूड, मतलब आप यहाँ पे आए जरूर जी। तो बस तो फिर आके देखते हैं, अंकल के पास चलते हैं, अंकल अंकल से रेवो लेते हैं। तो वहाँ से होगा, आ जाइए। आज हम देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड क्राउड है, आज यहाँ देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड है, आपको नजर पर हो इतना ज्यादा, आप देख सकते हैं। के पहले तो ये बताएं कि आप इतने बिजी हैं इसके लिए, तो पहले सॉरी, और दूसरा मुझे बताएं कि आप लोगों को कितना टाइम हो गया ये सब करते हुए? तकरीबन 5 साल। 5 साल हो गए, ओके। तो और बताएं कि आप लोग यहाँ इस बर्गर के अलावा और कुछ है आप लोगों का? कलब सैंडविच होता है, ब्रोस्ट होता है, शोरमा होता है, जिंजर रोल होता है। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। कलब सैंडविच होता है, ब्रोस्ट होता है, शोरमा होता है, जिंजर रोल होते हैं। ओके, तो शोरमा वगैरह आप लोग मतलब सिर्फ, और आप लोग की ओपन टाइमिंग क्या है? शाम 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक। रात 1:30 बजे तक? 3 बजे तक। 3 बजे तक, तो भाई यहाँ पे हम 6 बजे इनका ओपनिंग होता है, क्लोज टाइमिंग है 6 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे तक। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं, आप लोग कौन से ऑयल में सब कुछ करते हैं? ये घी इस्तेमाल किया जाता है हमारे लिए, मेजान का घी होता है। मेजान का घी होता है, ओके। तो वहाँ लोगों का शवरमा साइट भी है, वो देखें आप लोग। हाँ, इन लोगों का ही है, गोरन का शवरमा साइट भी है। और आपकी कोई डील्स है? नहीं, डील्स नहीं है, सब डिस्काउंट ऑफर में काम है सारा। अच्छा, मतलब प्राइसेस क्या है आप लोगों के पास इन चीजों? हमारा मिनी जिंगर होता है 80 रुपीज का। 80 रुपीज का, इतने लो प्राइसेस आपने कोई वजह? कम बचत में काम ज्यादा होता है, कम बचत में काम ज्यादा होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है थोड़ा सा ठंडे की वजह से। ओके, तो बस हम ऐसा करते हैं, पहले हम कुछ ऑर्डर ले लेते हैं आपसे, इसके बाद बाकी रिव्यू आपसे बाद में ले लेते हैं, ठीक है ना? और रिव्यू लेते हैं उसके बाद फिर कुछ करते हैं। तो आ जाइए, हम रिव्यू लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ 3 छोटे बच्चे अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, हम इनको डिस्टर्ब करना है। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, मुझे बताएं आप मतलब खाते रहते हैं यहाँ से या फल रहे हैं? नहीं, मैं खाता रहता हूँ। क्या टेस्ट है इन लोगों का? अच्छा टेस्ट है, शोरमे का भी और जिंजर का भी। तो आपको मतलब अच्छा लगता है? आपका क्या नाम है? अंजला। आप भी यहाँ पे रोज आते हैं या फिर मतलब कभी कभी? कभी कभी। तो आपको कैसा लगता है यहाँ का टेस्ट? अच्छा लगता है जी। तो भाई आप भी बता दें क्या नाम है आपका? हसन नाम है। आप बताएं आपका क्या रिव्यू है का? मैं तो रोजाना ही आता हूँ, कभी कभार आ जाता हूँ दोस्तों के साथ आया हूँ। माशाल्लाह से ये भी अच्छा है, ये भी। तो आप लोग देख सकते हैं यार कि यहाँ पे हर टाइप का इंसान आ सकता है, ये नहीं है कि यार ज्यादा, अगर अच्छी फैमिली आ रही है तो यहाँ पे बहुत होगा या कुछ होगा, वीआईपी आ रहे हैं तो। हाँ, आप लोग देख सकते हैं हर तरीके के लोग आ रहे हैं, तो बस यहीं पे हम लोग बोलते हैं कि आप लोग भी आइए यहाँ पर खाइए, क्योंकि बहुत मजे का है और बहुत ही अच्छा है। तो बस आप लोग खा सकते हो, अब हमने आपको डिस्टर्ब किया इसके लिए सॉरी। तो बस अब आगे नहीं, अब हमारा प्लेट आ चुका है, मतलब हमने जो बर्गर ऑर्डर किया था, और ये बर्गर फ्रेंच फ्राइज समझे कि ये ना मतलब वो ना जो बता ना 80 रुपीज वाला बर्गर है, मतलब प्राइस होगा तो ज्यादा मिनी बर्गर, तो हम समझे कि इससे छोटा बर्गर होगा, बट यार यही वाला बर्गर है नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं, ये वो 80 और ये सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज में है। और ऊपर आप लोग देख सकते हैं वहाँ भी उनके लिखा हुआ है 140, मतलब 140 क्लब सैंडविच है। हाँ, मतलब डिफरेंट प्राइसेस लिखी हुई हैं, और बाकी हम इनसे पूछते हैं जब तक जनरल टेस्ट करेंगे, तो बाकी हम इनसे पूछते हैं कि आप मुझे बताएं कि आप मतलब होम डिलीवरी करते हैं? होम डिलीवरी नहीं होती हमारे पास, नहीं होती। और कोई अगर ऑर्डर देना चाहे आपको तो आप ऑर्डर ले सकते हैं? जी, ऑर्डर मिल जाएगा। कितने दिन पहले देना पड़ेगा ऑर्डर आपको? 12 घंटे के अंदर अंदर ऑर्डर मिल जाएगा। 12 घंटे पहले ऑर्डर देना होगा, और कॉन्टेक्ट नंबर बता दें जिस पर आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, 03442661089। तो ये इन लोगों का कॉन्टेक्ट है, तो बस आप लोगों ने क्या करना है, इनका थोड़ा ऑर्डर वैसे तो नहीं लेते पर बड़े ऑर्डर लेते हैं, पर आपको 12 घंटे पहले बताना पड़ेगा। तो बस जल्दी से टेस्ट कीजिए और इनको रिव्यू दीजिए कैसा है। प्राइस को छोड़े पहले बर्गर का दीजिए। Thank you.
इनका अच्छा बर्गर लगा मुझे। जब तक मुझे सोचती थी मैंने बर्गर वगैरह जो भी चीज मैंने खाई ना ऐसे भरी बहुत अच्छी लगी। मिर्ची भी नहीं स्पाइसी भी नहीं थी, बहुत स्पाइसी नहीं पता उनके लिए बहुत बेटर है और अच्छा भी जो तो पैसे नहीं मतलब मुझे मेरे पर पसंद नहीं है स्पाइसी पर अच्छा बर्गर जी। तो मैं जो चीज़ें बार बार खाऊँ ना मजा है वो बहुत अच्छी। इन लोगों का बर्गर का टेस्ट बहुत मजे का है, ऐसा नहीं कि यार कोई खा नहीं सकते या किसी को समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका बर्गर का टेस्ट बहुत मजे का पकड़े जन्नत। और मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग आए इतने रिजनेबल प्राइस में ये चीज़ें रखी हुई यहाँ पर आकर टेस्ट करें और फिर इन लोगों को रिव्यू दें अच्छा अच्छा। तो बस यहाँ पर हम अपना यहीं पर हम इनको क्लोज करते हैं और फिर यार लोकेशन हम भूल गए, पहले हम अंकल से लोकेशन कन्फर्म कर लेते हैं फिर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप मुझे लोकेशन समझा दें हमारा एड्रेस है मेन डाकखाने लियाकतबाद फ्रेंड जूस के नाम से फ्रेंड जूस कंपनी फ्रेंड फास्ट फूड के नाम से मतलब मेन डाकखाना मेन डाकखाना डाकखाने पे तो एड्रेस भी आप लोगों को पता चल गया। यहीं पे ये वाला ब्लॉग एंड करते हैं इंशाल्लाह फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहाँ पर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।